आजकल हिमाचल पथ परिवहन की अव्यवस्था के चलते सराज विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज क्षेत्र चिउणी क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से रास्ते ठीक होने के बावजूद भी सरकारी बस सेवाएं ठप हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार निगम के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं, जिससे दूरदराज क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे चिउणी में सर फसलों के लिए मंडियों तक पहुंचाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। हमारी सरकार से ये मांग है कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जा सके, ताकि आम जनता को परेशानियों के दौर से ना गुजरना पड़े, क्योंकि चिउणी पंचायत में जीपें इतना किराया लोग नहीं दे सकते, जिसके लिए हमारी गुजारिश है, आम जनता की मांग है कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाए और लगातार हमारी बस सेवा चालू रहे, तो यही हम सरकार से आग्रह करते हैं। अगर बस में 6 सवारियां होती है तो ड्राइवर लोग कहते हैं कि ये बस क्यों नहीं जाएगी, 4 लोगों के पीछे हमने अपना समय बर्बाद नहीं करना है, जबकि लंबा खास में भी हमारी कुछ सवारियां रुकी होती है। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि इस बस का टाइम निश्चित किया जाए और बस रोज स्थायी तौर पर लगनी चाहिए, ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े।